हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की जो क्लास है उसमें अपन गोविंदा पारिक के तुलनात्मक अध्ययन का 49 नंबर का जो पेज है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो। तो यहाँ पे आपका परिहार विरुद्ध किसको बोलते हैं और उपचार विरुद्ध किसको बोलते हैं, ये पहले यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो परिहार विरुद्ध किसको बोला जाता है? परिहार विरुद्ध का मतलब ये होता है, परिहार विरुद्ध मतलब जो है वरह आदि जो मांस खाने के कारण वरह आदि का जो मांस है उसका सेवन करने पर फिर उष्ण वस्तुओं का सेवन करना। ठीक है, ये क्या है आपका परिहार विरुद्ध का एग्जाम्पल है। ठीक है, चरक सूत्र स्थान में बताया गया है कि वरह आदि का मांस सेवन कर फिर उष्ण वस्तुओं का सेवन करना क्या कहलाता है आपका? परिहार विरुद्ध कहलाता है। उपचार विरुद्ध किसको बोलते हैं? तो उपचार विरुद्ध मतलब जो आपका घृत घृत आदि जो स्नेह है उसको क्या है पी करके उसका पान करके शीतल आहार का मतलब शीतल आहार तथा औषध का जो है पान किया जाता है या जल का पान किया जाता है तो वो क्या कहलाता है आपका? उपचार विरुद्ध कहलाता है। आचार्य चरक के अनुसार उपचार विरुद्ध किसको बोलते हैं? तो घृत आदि स्नेह को पी करके शीतल आहार औषध या फिर जल का जो है पान किया जाता है तो उपचार विरुद्ध कहलाता है। परिहार विरुद्ध किसको बोलते हैं? तो वरह आदि मांस का सेवन कर फिर उष्ण वस्तुओं का सेवन किया जाता है तो परिहार विरुद्ध कहलाता है। फिर बात करते हैं विरुद्ध आहार चिकित्सा। तो विरुद्ध आहार चिकित्सा के विषय में क्या बोला गया है? विरुद्धायान जान रोगा प्रति प्रतिहंती विरेचनम वमनम समनम चैव पूर्व व हित सेवनम। यानी कि आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में बोला है कि मेनली जो है आपका ये बोल सकते हैं कि विरुद्ध आहार जन्य जो होते हैं मतलब ये बोल सकते हैं विरुद्ध आहार की जो चिकित्सा है उसमें क्या अपन मेनली जो है विरेचन कर्म कराते हैं। ठीक है, तथा इसमें आपका बोला गया है कि मेनली जो है समन हेतु वमन भी कराया जाता है। ठीक है, तो ये मेनली आपका बताया गया है। इसके अलावा अन्न क्लेदक किसको बोला गया है? तो जल को बोला गया है। अन्न क्लेदक जो वर्ड है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? जल के लिए प्रयोग किया गया है। और कफ क्लेदक जो वर्ड है वो क्या है? लवण के लिए प्रयोग किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो अन्न क्लेदक किसको बोलते हैं? अन्न का क्लेदन करने वाला क्या है? तो जल है। और कफ का क्लेदन करने वाला कौन सा है? तो लवण है, ये आपको याद रखना है। देन अपन आगे बढ़ते हैं। तो पिपली के विषय में बताया गया है। तो पिपली की यहाँ पे प्रॉपर्टी बताई गई है कि क्या होता है? श्लेष्मला मधुरा चाद्र गुर्वी स्निग्ध च पिपली सा शुष्क कफ वातग्नि इसके अलावा कटु उष्ण वृष्य समता। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो पिपली होता है वो श्लेष्मता मधुरा चाद्र गुर्वी स्निग्ध चा पिपली। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये बोल सकते हैं जो आपका जो प्रॉपर्टी क्या होता है स्निग्ध होता है। ठीक है, इसके अलावा शुष्क होता है। इसके अलावा जो मतलब ये बोल सकते हैं कि जो मधु मतलब ये बोल सकते हैं कि जो पिपली होता है यहाँ पे श्लोक के अनुसार मेनली कफ वातग्नि होता है, कफ तथा वात का हरण करने वाला होता है। ये मुख्य रूप से पिपली की जो क्वालिटी है ठीक है उसमें बताया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, एज इट इज कोटेशन को ही याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं जो आपका विड लवण है। विड लवण के विषय में क्या बोला गया? तो विड लवण में बोला गया है ऊर्ध्वचाधश्च वात अनुलोम आरोग्यकरम विडला। यानी कि विड लवण जो होता है वो वात का अनुलोमन करने वाला होता है। ठीक है, तो जो विड लवण होता है वो क्या करता है? वात का अनुलोमन करने वाला होता है। इसी प्रकार अपन बात करें तो शैंधव के विषय में क्या बोला गया है? रोचन दीपन वृष चाक्षुष अविदाही त्रिदोषक्न सम मधु सैंधव लवण लवण उत्तम। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि यह जो सैंधव जो होता है वो रोचन ठीक है दीपन वृष्य तथा चाक्षुष आदि कर्म करने वाला होता है तथा अविदाही होते हैं। ठीक है, त्रिदोषग्न होते हैं। ये मिलने जो है आपके किसके विषय में? जो सैंधव उसके विषय में बताया गया। इसके अलावा बात करें आपका आगे बोला गया है कि संख्य भेद मात्रा बोधिकम भवती निरन्वयो भवेत। यानी कि संख्या केवल भेद मात्रा को बताती है। ठीक है, तो संख्या केवल भेद मात्रा को बताती है जो अन्वय मतलब अन्वय रहित हो उसे भेद कहते हैं। ठीक है, तो संख्या केवल भेद मात्रा को बताती है और जो अन्वय रहित होता है उसे क्या कहते हैं? भेद कहते हैं। फिर आगे आपका बोला गया है समासे धर्मणे परिग्रहो भेदानाम यत्र क्रियते सविधा। यानी कि जहाँ भेदों का समान अर्थों से ग्रहण करते हैं ठीक है, तो जहाँ पे भेदों का समान अर्थ में ग्रहण होता है उसे विधि कहते हैं और यह विधि का प्रकार अर्थ है और यह जो विधि का जो प्रकार होता है वो अर्थ होता है। प्रकार उसे कहते हैं जो अन्वय वाला होता है। ठीक है, तो जो प्रकार किसे कहते हैं? जो अन्वय वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रकार कहते हैं।
फिर यहाँ पे आपका जो है बताया गया है कि जो ऋतु है ठीक है उसके अनुसार यहाँ पे आपका जैसे कि आपका बोला गया है कि वसंत ऋतु में हिमात्येत ठीक है ये मेनली बताया गया है, वसंत ऋतु में हिमात्येत हो गया। इसके अलावा घनात्येत जो है शरद ऋतु में बोला गया है ठीक है, और तपात्येत मेनली प्रावित ऋतु को बोला गया है। धर्मकाल किसको बोला गया है, तो धर्मकाल ग्रीष्म ऋतु को बोला गया है। धर्मांत्य किसको बोला गया है, तो वर्षा ऋतु को बोला गया है। तो ये आपको याद रखना है ठीक है। तो आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने क्या है वसंत ऋतु के लिए हिमात्येत बोले हैं ठीक है, और शरद चरक ने क्या बोला है शरद ऋतु के लिए मेल्य घनात्येत बोले हैं, सुश्रुत ने मेल्य प्रावित ऋतु के लिए तपात्येत बोले हैं, और सुश्रुत ने ही मेल्य जो है ग्रीष्म ऋतु के लिए धर्म काले बोले हैं, और चरक ने निदान स्थान में वर्षा ऋतु को क्या है धर्मांत्य बोले हैं ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। भाव प्रकाश के अनुसार धर्म स्वेद का ही पर्याय है ठीक है, तो भाव प्रकाश के अनुसार जो धर्म है वो क्या है स्वेद का ही पर्याय है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो घनात्येत है ठीक है उसे और क्या बोला जाता है आपका धरात्येत भी बोला जाता है ठीक है, ये भी याद रखना ठीक। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो आचार्य जो चक्रपाणी है चक्रपाणी के अनुसार पित्तज और कफज गुल्म में वस्ती के स्थान पर अमाशय के एक प्रदेश को कहा गया है ठीक है। तो मतलब यहाँ पे चक्रपाणी के अनुसार जो पित्तज और कफज गुल्म में वस्ती के स्थान पर जो अमाशय का एक प्रदेश को कहा गया है ठीक है, तो आपका जो पित्तज और कफज गुल्म का जो आपका पर्टिकुलरली किसको बोला गया है, तो वस्ती के स्थान पर अमाशय के एक प्रदेश को कहा गया है ठीक है। चक्रपाणी के अनुसार गुल्म रोग में कोई दुष्य नहीं होता है ठीक है, गुल्म रोग में क्या है कोई भी दुष्य नहीं होता है, ये बताया गया है। फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपका चरक अनुसार प्रमेह के विषय में बात करते हैं ठीक है, कि जो प्रमेह के जो टाइप्स वगैरह बताए गए हैं वो आपके इंपॉर्टेंट हैं ठीक है, आपको भी पता है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले कफज प्रमेह के विषय में बात करते हैं, तो कफज प्रमेह के विषय में सबसे पहले इच्छुमेह बताया है ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार इच्छुमेह है ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया, अत्यार्थ मधुरम शीतम ईषात पिच्छिलम इच्छिलम विलम कांडेक्षु रस संकाशा ठीक है, ये मिलने के है आपका इच्छुमेह के विषय में बोला गया है ठीक है। तो यहाँ पे आपका बोला गया है अत्यार्थ मधु शीतम ईषत पिच्छिलम विलतम कांडेक्षु रस संकाशा, यह जो वर्डिंग है किसके लिए बोला गया, यहाँ जो श्लोक है किसके लिए बोला गया है आचार्य चरक द्वारा, तो इच्छुमेह के लिए बोला गया है। शीतमेह के विषय में आपका क्या बोला गया है, तो अत्यर्थ मधुरम शीतम मूत्रम मिहति यो वृषा ठीक है, तो अत्यर्थ मधुरम शीतम मूत्र मेहती यो वृषम, यह जो है किसके लिए बोला गया है, तो कफज जो शीत में है कफज प्रमेह का जो टाइप है शीत में है उसके लिए बोला है आचार्य चरक ने। सांद्रमेह के लिए क्या बोला है, यश पयुषिते मूत्रम सांद्री भवति भाजने ठीक है, तो यश आपका जो है यहाँ पे सांद्रमेह में बोला गया कि सांद्र मूत्र का मेल्य जो है त्याग करता है ठीक है। शीतमेह में क्या है आपका शीत मूत्र का त्याग करेगा। इच्छुमेह में क्या है आपका इच्छु मतलब गन्ने के समान जो होता है मूत्र का मेल्य जो है त्याग करता है ठीक है। इसके अलावा आपका सांद्र प्रसाद जो मेह है उसमें आपका क्या बोला गया, यस्य सहते मूत्रम किंचित किंचित प्रसादित हैं ठीक है, तो किंचित किंचित जो है मूत्र का त्याग करते हैं ठीक है, सांद्र मूत्र का वो क्या है सांद्र प्रसाद में है ठीक है, ये बताया गया। इसके बाद में बात करते हैं चरक अनुसार, जो आपका चरक अनुसार पित्तज जो प्रमेह है उसके विषय में आपका क्या बोला गया, तो पित्तज प्रमेह के अंतर्गत जो आपका आता है ठीक है वो आपका नीलमेह है ठीक है। तो नीलमेह में क्या बोला गया, तो नीलमेह में आपका बोला गया है कि मेल्ली यहाँ जो होते हैं नीलमेह में जो होता है उसमें आपका बोला गया है चास पक्ष निभम मूत्रम अम्ल मेहती यो नरा ठीक है, ये जो है आपका मेल्ली बोला गया है नीलमेह में ठीक है। जबकि कालमेह है तो कालमेह में बोला गया है मसी वर्ण मज्रसा यो मूत्र उष्णम मेहिना ठीक है, तो काल में हमें जो है आपका मसीवर्ण मज्रसा यो मूत्र उष्णम प्रमेहिना, ये मैं लिखे है काल में के विषय में आचार्य चरक ने बोला है ठीक है, जो पित्तज प्रमेह का टाइप है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके बताई गई हैं ठीक है। अगर आप ध्यान दो तो प्रमेह के पूरे डिटेलिंग टाइप्स को अपन लोगों ने तुलनात्मक अध्ययन के आपके 18वां या फिर 19वां जो लेक्चर है उसमें अपन लोगों ने प्रमेह के पूरे टाइप्स को अपन लोगों ने एक बार और डिटेलिंग पढ़ चुके हैं ठीक है। बट यहाँ पे जो आपके इंपॉर्टेंट श्लोकस हैं जिसको आपको लर्न करना है ठीक है, थोड़ा याद रखना है उसको, यहाँ पे रिपीटेड हो गया है तो इसको आपको याद रखना है ठीक है। ये श्लोकस वहाँ पे अपन लोगों ने प्लॉट करके नहीं पढ़ा था, तो ये जो चीज़ें हैं इसको आपको याद रखना है ठीक है। फिर सुश्रुत के अनुसार वो वांगभट के अनुसार जो प्रमेह के हैं उस टाइप हैं वो अपन देख लेते हैं। तो सुश्रुत ने क्या बोला है, इच्छु बालिका में माना है ठीक है, जबकि वांगभट ने इच्छु में माना है। आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने क्या है फेन में माना है, वांगभट ने क्या है शीत में माना है, आचार्य सुश्रुत ने सांद्र में ही माना है और वांगभट ने भी सांद्र में ही माना है ठीक है। सूरा में भी दोनों का सिमिलर ही है। फिर उसके अंदर सुश्रुत के अनुसार जो है नील में है ठीक है, और वांगभट के अनुसार भी नील में है ठीक है।
दोनों सिमिलर ही है। बाकी आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने क्या है मेनली यहाँ पे आपका जो है अम्ल में ही बोले हैं, ठीक है, इसको जो आपका यहाँ पे काल में ही बोले हैं वांग्भट जी ने, ठीक है। तो ये मेनली आपका बताया गया है, मतलब जो अगर बात करें, ठीक है, अगर ध्यान दें तो यहाँ पे आपका जो टाइप्स बताए गए हैं जो पित्तज प्रमेह और कफज प्रमेह उसमें कौन से चीज़ों को नहीं माना है और कौन से चीज़ों को माना है, ठीक है। तो ये कफज प्रमेह जो है ये हो गया पहला ऊपर वाला जो है, ये आपके क्या है कफज प्रमेह के टाइप हो गए, ठीक है, और ये आपके क्या है, ठीक है, पित्तज प्रमेह के टाइप हो गए, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद में बात करते हैं उष्ण गुण काल में है व रक्त में है दोनों में मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका बोला गया है जो उष्ण गुण होता है वो काल में और रक्त में है दोनों में आपको देखने को मिलता है। फिर गर्भ का मूल जो कारण होता है, गर्भ का मूल जो कारण होता है वो आत्मज भाव, ठीक है, तथा गर्भ का आपका बोला गया है जो औपपादक है कारण, सॉरी उत्पादक जो कारण होता है वो सत्वज भाव होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया औपादक जो कारण होता है वो क्या है सत्वज भाव है, तथा आत्मज जो भाव होता है, ठीक है, वो गर्भ का मतलब जो आपका गर्भ का मूल कारण आपका आत्मज भाव होता है, ठीक है, और गर्भ का उत्पादक जो कारण होता है वो सत्वज भाव होता है। फिर सन्निपातज सन्निपातिक जो प्रदर है उसके विषय में माधव निदान में क्या लिखा है, तो सन्निपातिक जो प्रदर है उसके विषय में बोला गया है सचौद्रम सर्पी हरित लाल वर्ण, ठीक है, मज्जा प्रकाशम, ठीक है। तो मज्जा प्रकाशम मिल्ली जो है आपको देखने को मिलेगा जो सन्निपातिक जो प्रदर होता है वो, इसके अलावा सचौद्र सर्पी हरित लवण ये मिल्ली बताया गया है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सन्निपातिक जो प्रदर होता है उसके विषय में बात करें तो जो सन्निपातिक जो प्रदर होता है उसके विषय में बोला गया है कि सृजत्य सृजत्य पत्य मार्गेण सर्पी मज्जा वसोपयम, ठीक है। तो ये मिल रहा आपका क्या है सन्निपातिक प्रदर के विषय में बताया गया। फिर बात करते हैं अभिसज के भेद के विषय में, तो अभिसज मेनली दो टाइप्स के होते हैं, ये चीज़ आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो भेषज के टाइप में, ठीक है, दो प्रकार के हैं, एक होता है बंधन एक होता है सानुबंधन। तो बंधन में बोला गया है कि अल्पकाली अपथ्य के सेवन से रोग होना ये क्या कहलाएगा आपका बंधन कहलाएगा। तत्काल कष्टकारक होते हैं उदाहरण के लिए विष और अग्नि, ठीक है। तो अल्पकालिक अपथ्य के सेवन करने की वजह से जो रोग उत्पन्न होते हैं वो बांधन कहलाता है, ठीक है, बांधन कहलाता है। और ये जो है आपका बांधन जो होते हैं वो तत्काल कष्टकारक होता है जैसे कि विष और अग्नि, ठीक है। इसी प्रकार बात करें सानुबंधन के विषय में, तो सानुबंधन में क्या बोला गया, तो सानुबंधन में बोला गया कि दीर्घकाली अपत्य के सेवन से जो रोग उत्पन्न होता है उसे सानुबंधन कहते हैं और कालांतर में कष्टकारक होता है। ये क्या है आपके कालांतर में कष्टकारक होते हैं उदाहरण के लिए दूषी विष, ठीक है। तो दीर्घकाली अपत्य के सेवन करने से जो रोग उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे सानुबंधन कहते हैं और कालांतर में ये जो है कष्टकारक होता है उदाहरण के लिए दूषी विष। फिर बात करते हैं नागबला का जो मूल संग्रह है, ठीक है, नागबला का जो मूल है उसके संग्रह के विषय में बताया गया है कि नागबला का जो मूल है उसके संग्रह कैसे कब करना चाहिए कौन से ऋतु में, तो माघ तथा फाल्गुन के महीने में जो है संग्रह करना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। तपसी तपस्ये व मासे सूची, ठीक है। तो मतलब माघ व फाल्गुन महीने में मेनली जो है आपका नागबला के मूल का संग्रह करना चाहिए, ठीक है, चरक के अनुसार, जबकि वांग्भट ने क्या है शरद ऋतु में बताया है। इसी प्रकार बात करें तो आपका जो है भल्लातक का जो फल है उसके संग्रह के विषय में शुक्रो सूचव शुक्रे व मासे ये चरक ने बोला है, मतलब ज्येष्ठ तथा अषाढ़ महीने में मेनली संग्रह करना चाहिए ये चरक के अनुसार, तथा ग्रीष्म ऋतु में मेनली वांग्भट के अनुसार जो है भल्लातक के फल का संग्रह करना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पर बताया गया। फिर बात करते हैं प्रयोग के विषय में, तो प्रयोग में बताया गया है कि संग्रह के चार माह बाद में सहस्य मास में, ठीक है, यानी कि अगहन व पूष महीने में इसका जो है प्रयोग करना चाहिए। केवल आमलक का जो संग्रहण है, ठीक है, वो क्या है आपका पौष या फिर माघ या फिर जो आपका फाल्गुन महीने है उसमें कर सकते हैं, ठीक है, पौषीप मांगी व फाल्गुन महीने में मिल लिया आपका क्या है केवल आमलक जो है उसका संग्रहण किया जा सकता है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये मिल लिया आपका बताया गया है फाल्गुने यहाँ पे आपका बोला गया तिथि में, ठीक है, चरक के अनुसार ये बोला गया है कि आमलक का जो फल है उसका संग्रहण पौषिक मांग और आपका फाल्गुन में किया जा सकता है, ठीक है। तो इस नोट्स का मैं पासवर्ड भी यहाँ पे रिवील कर देता हूँ, ठीक है, जो आपका मेनली जैसे कि बात करें, ठीक है, तो जो भेषज है उसके टाइप्स कितने बताए गए हैं, दो बताए गए हैं, पहला आपका क्या है बाधन और एक आपका क्या है सानुबाधन, ठीक है। तो B2 BS, ठीक है, ये मेरे लिए नोट्स का पासवर्ड रहेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे देखेंगे, ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।